किसान पंचायत में किसान समस्याओं के अलावा घोटालों पर भी जिक्र हुआ। भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता गुट के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो वो पशु बाड़ा घोटाला है। मसरेटा ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे यूनियन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आवारा गोवंश किसानों के लिए अभिशाप ही नहीं जानलेवा बन गए हैं। डीएम को संबोधित मांग पत्र के जरिए आवारा पशुओं को आश्रय स्थल भेजे जाने की मांग की गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन लेने आए नायब तहसीलदार ओपी शुक्ला क्षेत्रीय लेखपाल को काफी देर तक बैठा कर बंधक बनाए रखा। धरना स्थल पर रेडियो पंचायत गौरव मिश्रा भी पहुंचे। प्रदर्शन में हरिहर मास्टर, ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद, उपाध्यक्ष सुनील कुमार, धर्मेंद्र यादव, रामचंद्र, राम प्रकाश सहित तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने आइडिया को बताया। भारतीय किसान यूनियन अवध क्षेत्र से आप हमारे बीच में हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला और श्यामू शुक्ला जी, आज आपने जो मछरेटा में ये कार्यक्रम किया है, ये पंचायत का आयोजन किया है, किन किन मुख्य बिंदुओं पर है और किस लिए यहाँ पर पंचायत बुलाई गई? देखिए, इस समय का हमारा सबसे जो प्रमुख बिंदु है, जो प्रमुख मांग हमारी सरकार से है, वो है आवारा गौवंश। आवारा गौवंश उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए अभिशाप बन चुकी है और जानलेवा बीमारी बन चुकी है, जिसमें हमारे किसानों की केवल फसलें ही नहीं नष्ट हो रही, बल्कि फसलों की निगरानी करते वक्त आवारा गौवंशों के द्वारा जानलेवा हमले करके हमारे किसानों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार 5 साल से ढिंढोरा पीट रही है कि विकास विभाग, पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग, ये तीनों विभाग मिलकर के जगह चिन्हित करके गौशाला बना करके और पशुपालन विभाग की मदद से आवारा निराश्रित पशुओं को गौशाला में भेजे। लेकिन यहाँ पर करीब 20 गांव के लोग आ जाए हैं। जिन गांव के लोग आए हैं उन गांव में कहीं पर भी कोई ना तो गौशाला 5 साल में स्थापित किया गया है और ना ही निराश्रित पशुओं को पकड़ा गया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वो अपने शासन काल में उन्होंने जो है पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण कराया है और किसानों के लिए उन्होंने पशुबाड़े भी दिए हैं। इस बारे में आपने पशुबाड़े देखे होंगे जब आप क्षेत्र में रहते होंगे। देखिए, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की ईमानदार योगी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पशुबाड़ा की जांच करा ले तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला पशुबाड़ा बन करके आएगा। पशुबाड़ा से बड़ा कोई घोटाला नहीं। प्रधानों ने, ग्राम विकास अधिकारियों ने अपने चहेते लोगों को बनी हुई चन्नी, पड़े हुए टीन सेट की फोटो खींच करके 90-90 हजार रुपया उनके खाते में भेजने का काम किया है। और जिन किसानों के पास, गरीबों के पास पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था नहीं है, उनके पशु आज भी खुले आसमान के नीचे बंधे हैं। ये जिम्मेदारी एक किसानों की भी बनती है कि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानवर क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, और ये कुछ जिम्मेदारी अगर किसान भी उठाए, जब सरकार उनको बाड़ा या इससे संबंधित कुछ दे रही है तो वो भी अपने जानवरों को। अच्छा प्रश्न आपका है, यही प्रश्न हम चाहते हैं सरकार के लोग भी एक बार मुझसे करें तो उनकी हम आंखें खोलें, कम से कम उनको जमीनी हकीकत से बताएं। आपको बता दें कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हमारे घर से पैदा होती है। दूध पैदा करना, पशुपालन करना, अनाज पैदा करना और अनाज उगाना, यह किसान का काम है। किसान की जितनी जरूरत है उस जरूरत से कहीं अधिक आज भी हमारे गांव में पशु हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे, अगर पूरे गांव का सर्वे कर लेंगे तो कम से कम 500-700-1000 पशु एक गांव में आज भी आपको पालतू मिलेंगे। सरकार जब से बनी तब से एक तो पूरे उत्तर प्रदेश के सारे पशु बाजार बंद है। आप पत्रकार बंधु हैं, ज्ञापन के संबंध में कुछ और भी प्रमुख बिंदु आपने रखे हैं उन पर भी अपना प्रकाश डालिए। प्रकाश डालेंगे, जो प्रश्न होगा उसका जवाब होगा। तो अन्य कौन से प्रमुख बिंदु हैं? आप ऐसे हमसे पूछ लीजिएगा कि 6 मांगों को लेकर के, आवारा गौवंश, जर्जर सड़कें, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी, नाली खड़ंजा, सफाई व्यवस्था, इन तमाम समस्याओं को लेकर के जो समस्याएं।